हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर बुद्धि का, यानी कि इंटेलिजेंस। तो बुद्धि जो है क्या है, सबसे पहले हम इस अर्थ को जानेंगे, ठीक है। बुद्धि देखिए, जब हम सामान्य अर्थ में बात करते हैं तो किसी एक बच्चे को यदि हम ले लें, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम क्या कहते हैं उसको देख कर कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमने उसके एक गुण को देखा, उसके मार्क्स को देखकर हमने ये जाना कि ये पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो बुद्धि जो है, जो कि गुणों को व्यक्त करती है कि कोई व्यक्ति जो है वो कितना गुणी है, ठीक है। लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में बुद्धि जो है एक गुण को नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को व्यक्त करती है। ये एक छोटा नहीं बहुत बड़ा शब्द है। बुद्धि जो है वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं या तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने या तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ये हेल्प करती है व्यक्ति की किसी भी चीज को समझने के लिए, ठीक है। और बुद्धि ही है जो मनुष्य को जो भी नई सिचुएशन होती है उनको ठीक से समझने में, उसके साथ कैसे अनुकूलन बैठाना है, उसमें हेल्प करती है। तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया, गाल्टन ने किया 1885 में, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, गाल्टन ने किया 1885 में। बुद्धि जो है वो सोचने की क्षमता, यानी कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, कितना सोचता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी सोचने की, वह योग्यता का अध्ययन है। बुद्धि सोचने की क्षमता और योग्यता का अध्ययन है। और ये बुद्धि कहाँ होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है। उसके बाद देखिए, परिभाषाओं से हम जानेंगे बुद्धि क्या है। तो टर्मन कहते हैं कि बुद्धि जो है अधिगम यानी सीखने की योग्यता है, यानी कोई व्यक्ति जो है वो कितने अच्छे तरीके से सीखता है, तो ये योग्यता जो है सीखने की, यही क्या है, बुद्धि है। एक और परिभाषा है टर्मन की, ये बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अभी हम देखेंगे उस परिभाषा को भी। तो टर्मन की परिभाषा जो है वो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो बुद्धि अधिगम या सीखने की योग्यता है और दूसरी बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। वुडवर्थ का कहना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, एक विधि है काम करने की, या प्रतिभा का जो प्रयोग होता है वह बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि के द्वारा ही जो व्यक्ति जो है वो कार्य अच्छे से कर पाता है। मन का कहना है कि बुद्धि जो है नवीन परिस्थितियों को झेलने की, मस्तिष्क की नवनियता ही बुद्धि है। बुद्धि कहाँ है, हमारे मस्तिष्क में है। और व्यक्ति के सामने जो भी नई परिस्थितियां आती हैं उनको कैसे हैंडल करता है, तो ये सभी कार्य किसके द्वारा करता है, वो बुद्धि के द्वारा करता है। फिर देखिए, गैरेट का कहना है कि बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है, यानी ये बात तो ठीक है कि बुद्धि जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की योग्यता है, ठीक है। गैरेट का कहना है कि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान, इसका प्रयोग होगा, और प्रतीक, ठीक है, ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता है, जैसे शब्द है, अंक है, सूत्र है, रेखा चित्र है और समीकरण है। वहीं गाल्टन कहते हैं कि पहचानने, विभेद करने, चयन करने यानी सीखने, इसकी योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। दो चीजों में अंतर जो है हम कैसे कर पाते हैं, तो ये सभी कार्य हमसे बुद्धि करवाती है, ठीक है। हम किन्हीं चीजों का चयन कैसे करते हैं, कोई चीज कितनी अच्छी है, कोई चीज कितनी बुरी है, तो ये जो योग्यता है किसमें है, बुद्धि में है। बुद्धि के द्वारा ही हम विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं दो वस्तुओं के बीच में, या कोई भी चीज का चुनाव करना हो तो बुद्धि के द्वारा ही होता है। तो ये किसकी परिभाषा है, गाल्टन की, ठीक है, गाल्टन जिन्होंने बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद देखें, बुडरो का कहना है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यानी बचपन से हम जो भी चीजें सीखते चले आ रहे हैं, इनका जो अर्जन हम कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटी किसकी है, बुद्धि की है। बुद्धि के द्वारा ही जो भी नई नॉलेज है, जो भी हम गेन करते हैं, तो इन सभी नॉलेज को अर्जन करने की क्षमता क्या है, बुद्धि है।
ठीक है, कभी आपने सोचा है बचपन से हम कितनी सारी चीजें जो है वो सीखते आ रहे हैं, हर साल हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? बुद्धि के द्वारा हो रहा है। बिने का कहना है कि बुद्धि चार शब्दों में निहित है। इन्होंने तो चार शब्द से ही पूरे बुद्धि को डिफाइन कर दिया कि बुद्धि क्या है। बुद्धि ज्ञान है। क्या है बुद्धि? आविष्कार है, नई नई चीजों का खोजना, ये भी क्या है? बुद्धि है। निर्देश देना बुद्धि है। आलोचना करना, ये भी क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि चार शब्दों में ही निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायबन का कहना है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। हमारे सामने जितनी भी समस्याएं अभी आ रही हैं, पढ़ाई से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, तो उसको समाधान जो है कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। बुद्धि ही हमें जो है वो बताती है कि हमें जो है आगे हमारा जो नेक्स्ट जो काम होगा वो क्या होगा, किस तरीके से हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे जो उद्देश्य हमने डिसाइड किया है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो शक्ति है किसमें है? बुद्धि में है। ठीक है, बुद्धि के द्वारा ही हम समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। टर्मन कहते हैं कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। मूर्त और अमूर्त क्या होता है? मूर्त यानी कि जो चीजें हमें दिखाई दें और जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, अमूर्त क्या है? बिल्कुल इसका अपोजिट, जो ना तो हमें दिखाई दे ना ही हम उन्हें छू सकते हैं। तो बुद्धि जो है क्या है? दिखाई नहीं देती है। क्या आपने कभी बुद्धि को देखा है? नहीं, वो नहीं दिखती है। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी व्यक्ति जो है कितना सोचता है। कोई भी ऐसी चीज जो नहीं देखी है उसके बारे में भी जब चिंतन करता है तो उसकी योग्यता क्या है? बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है वैश्लर की। ये कहते हैं बुद्धि एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सॉल्व करता है। तो अंत में जो है हम ये कह सकते हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि जो है, जो भी बहुत सारी जो कठिनाइयां होती हैं हमारे सामने, जो भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, इनको आसान बनाने का काम करती है बुद्धि। ठीक है, व्यक्ति के सामने भला बुरा, सही गलत, नैतिक अनैतिक, जो भी कार्य होते हैं इनमें अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है बुद्धि। हमारे जो भी हमने गोल डिसाइड किए हैं उनको पूरा करने का जो साथ देती है, कौन देती है? बुद्धि। ठीक है, उसके बाद देखिए बुद्धि की विशेषताएं। सबसे पहले है बुद्धि व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। कैसी क्षमता है? ये मानसिक क्षमता है, मस्तिष्क से संबंधित है बुद्धि, जिसमें हमारे जो है सोचना, विचारना, तर्क, वितर्क, ये सभी आ जाता है। बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, यानी कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें जो है बुद्धि का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बुद्धि जो है वो जन्म से जो है वो बिल्कुल सीधा लंबवत चलती है और किशोरावस्था तक जो है वो लंबवत जाती है। उसके बाद जो है वो क्षैतिज होना शुरू हो जाती है। बुद्धि जो है जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आ जाती हैं, कठिन से कठिन, उनको आसान बनाना ये किसका काम है? बुद्धि का काम है। बुद्धि हम दौड़ाते हैं जिसके द्वारा हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर, बुद्धि सामंजस्य का गुण देती है, यानी कि समायोजन कैसे करना है। कोई भी नई परिस्थितियां आ रही हैं तो ये जो गुण है कौन देता है? बुद्धि देती है। बुद्धि के द्वारा ही हम देखते हैं जो भी नवीन परिस्थितियां आ रही हैं हम उसमें अपना अनुकूलन कैसे बैठा सकते हैं। बुद्धि का विकास जो है वो पूर्ण रूप से किशोरावस्था में हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि विकास का जो चैप्टर है आपका, उसमें आपका पूछा जा सकता है कि बुद्धि का विकास जो है पूरी तरीके से कौन सी अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था तक हो जाता है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि बुद्धि जन्म से प्रारंभ हो जाती है और सीधी चलती है, यानी लंबवत चलती है। इसका विकास लंबवत होता है और बाद में किशोरावस्था के बाद में ये क्षैतिज होना शुरू हो जाती है। सिक्स नंबर पर है, बुद्धि नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। व्यक्ति जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसको पता होता है कौन सी चीज जो है वो सही है, कौन सी गलत है, कौन सी झूठ है, कौन सी सच है। ठीक है, तो ये बुद्धि ही है जिसके द्वारा हम इनमें अंतर करना सीख जाते हैं।
बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से आंका जाता है। अब कोई व्यक्ति जो है किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो ज्यादा बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान है। ठीक है, कई बार हम जो है यदि व्यवहार देखते हैं कि ऐसा व्यवहार व्यक्ति कर रहा है जो कि समाज के अनुकूल नहीं है, तो हम उसको कह देते हैं कि वो तो पागल है, यानी वो बुद्धिहीन है। तो वहां हमने उस व्यक्ति के व्यवहार की जो गुणवत्ता है उसको आंका। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। जो भी व्यक्ति की क्षमताएं होती हैं उनका संपूर्ण योग क्या है? बुद्धि है। बुद्धि विवेकशील व अमूर्त चिंतन की क्षमता है। तो टर्मन का कहना है कि हम ऐसी चीजें जो हम देख नहीं सकते हैं और उनके बारे में चिंतन करना, तो ये जो कैपेसिटी है किसमें है? बुद्धि में है। बुद्धि के द्वारा ही हम अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। बुद्धि व्यक्ति को भला बुरा, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, हम जो हैं अपना दिमाग जब लगाते हैं, जब हमें ये पता लगता है कौन सी चीज़ जो है सही है, कौन सी चीज़ गलत है। कई बार कह भी देते हैं कि दिमाग लगाओ, जब पता लगेगा कि तुम सही राह पर चल रहे हो या गलत राह पर। तो ये अंतर करने की क्षमता प्रदान करती है व्यक्ति को बुद्धि। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बुद्धि पर प्रभाव जो है वो वंशानुक्रम का पड़ता है। हमने अभी देखा कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, तो 90% तक जो है प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। यानी कि मुख्यतः प्रभाव किसका पड़ रहा है? वंशानुक्रम का। वातावरण में जब वो बाद में आता है व्यक्ति, तब उसके साथ अंतःक्रिया करता है, तो यहाँ केवल 10% प्रभाव जो है बुद्धि का पड़ता है। तो एग्जाम में है कई बार ये चीज पूछी गई है कि बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम का जो है अधिक प्रभाव पड़ता है या नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है। तब हम ध्यान रखेंगे कि बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नाम मात्र का प्रभाव जो है वो वातावरण का पड़ता है। यदि दोनों ही शब्द आ जाते हैं कि बुद्धि जो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तब वो लाइन भी सही होगी, क्योंकि दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव जो है वो वंशानुक्रम का है और नाम मात्र का प्रभाव वातावरण का है। बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है। कैसी है? बुद्धि जो है एक सामान्य मानसिक क्षमता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ये भी हम देख सकते हैं कि इंटेलिजेंट जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि वो भी बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा। ठीक है, बाद में जब वो वातावरण में आया और उसको और भी अच्छा माहौल मिलता है, तो वही व्यक्ति जो है हम देखते हैं कि टॉप से टॉप जो जॉब होती है वो लेने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसको जो है वातावरण भी और भी अच्छा मिल गया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो किसका? उसके माता पिता का। 13 नंबर पर देखें, बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके आधार पर बालकों की स्मृति शक्ति यानी याद करने की जो उसकी क्षमता है और अधिगम क्षमता में अंतर किया जा सकता है। यानी किसी चीज को वो किस तरीके से सीख रहा है, किसी चीज को वो कितने अच्छे तरीके से रट सकता है। ठीक है, तो बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके आधार पर बालकों की स्मृति शक्ति यानी कैसे वो रट रहा है, कैसी चीजों को अपने दिमाग में रख सकता है, और सीखने की जो कैपेसिटी है उसमें अंतर करती है। 14 नंबर पर देखिए, बुद्धि जो है 16 से 18 वर्ष तक लंबवत रूप में, जो मैंने आपको अभी बताया कि बिल्कुल यहाँ जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक है, और किशोरावस्था के अंत तक जो है पूर्ण विकास हो जाता है बुद्धि का। उसके बाद जो है क्षैतिज रूप में चलती है कि अब जो है याद करने की क्षमता, रटने की क्षमता, सीखने की क्षमता जो है उसमें कमी आना प्रारंभ हो जाती है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो उसका बचपन जो है वो वापस आ गया, यानी कि अब जो है उसके समझने की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, जितना जो है उनको बताया जाता है उतना ही वो याद रख पाते हैं। जैसे कि शिशु जो होता है उसको हम जितना बताते हैं उतना ही वो याद रख पाता है, और धीरे धीरे जो है बाल्यावस्था में किशोरावस्था तक जाते जाते बुद्धि का विकास होता है और चीज़ों को वो और भी आसानी से समझ सकता है, सीख सकता है और उनको याद रख सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें धीरे धीरे कमी आनी
स्टार्ट हो जाती है। फिर देखें बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक जो हैं वो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही प्रभावित करता है बुद्धि को। जिसमें वातावरण जो है नाम मात्र का प्रभाव, यानी 10% जो है हम कह सकते हैं कि वातावरण प्रभावित करता है बुद्धि को, वहीं वंशानुक्रम जो है वो 90% तक प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ये गलत हो गया है, यहाँ पर जो है आना था वंशानुक्रम और यहाँ आना था वातावरण। ठीक है, तो नोट्स में मैं सही कर दूंगी, तो यहाँ पर आप समझते चलिए। तो जिसमें सबसे पहले मैं वातावरण की बात करूंगी कि वातावरण जो है ये प्रभावित करता है बुद्धि को, यानी जैसे माहौल में व्यक्ति रहता है तो उसकी बुद्धि जो है उसी तरीके की हो जाती है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जो है बहुत खराब वातावरण के अंदर यदि रहता है तो उसकी बुद्धि का विकास जो है वो रुक जाता है, जबकि कोई व्यक्ति जो है अच्छे वातावरण के अंदर रहता है तो उसकी बुद्धि का विकास जो है उसी स्पीड से तेज होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वंशानुक्रम की मैंने आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंट माता पिता होते हैं उनके जो बच्चे हम देखते हैं अक्सर वो भी बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, यानी जिन व्यक्तियों के अंदर आपस में खून का रिश्ता मिलेगा तो उनकी बुद्धि के अंदर जो है वो काफी समानता होती है। तो बुद्धि को वंशानुक्रम जो है ज्यादा प्रभावित करता है वातावरण की अपेक्षा। और हम ये भी कहते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है बुद्धि। नेक्स्ट देखिए लिंग भेद। अब देखिए लिंग भेद जो है वह भी प्रभावित करता है बुद्धि को। कैसे? कुछ जो मानसिक ताकतें ऐसी होती हैं जो कि हम देखते हैं लड़कों में अलग होती हैं और लड़कियों में अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताऊं तो जो अमूर्त चिंतन धारा प्रवाह है या रटने की प्रवृत्ति जो है वो लड़कियों में ज़्यादा मिलेगी और लड़कों में कम मिलती है। ठीक है, तो लिंग भेद जो है वह भी प्रभावित करता है बुद्धि को। फिर देखिए फिफ्थ नंबर पर है परिवार का आकार, यानी कि परिवार का आकार यदि छोटा है वह भी प्रभावित करेगा और बड़ा है तो वह भी प्रभावित करता है। तो जो बड़े परिवार के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है हम देखते हैं कि कम बुद्धि मिलेगी, जबकि छोटे परिवार के बच्चों के अंदर जो है वो अधिक बुद्धि मिलती है, क्योंकि वहां पर बच्चे जो हैं उन पर कम ध्यान दिया जाता है जो बहुत बड़े परिवार होते हैं। और कम परिवारों में जहां पर संख्या कम होती है तो वहां पर प्रारंभ से ही बच्चों पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है, और जिसकी वजह से छोटे परिवार के बच्चे जो हैं वो अधिक बुद्धिमान मिलेंगे। सिक्स नंबर पर है आयु। आयु का जो है प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, हमने अभी देखा था कि जन्म जैसे ही होता है बच्चे का उसके बाद जो बुद्धि का विकास है वह बढ़ता चला जाता है, और किशोरावस्था तक आते आते यानी 16 से 18 वर्ष की आयु तक जो है पूरी तरीके से विकास हो जाता है बुद्धि का, और उसके बाद जो है उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आयु जो है वह भी प्रभावित करती है। पेशा कैसे प्रभावित करता है बुद्धि को? तो इसका जो अध्ययन है हैरेल ने किया था 1954 में। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग पेशे वाले व्यक्ति जो हैं उनका समूह बनाकर जो है उन पर बुद्धि परीक्षण किया। तो उन्होंने पाया कि एक जो लेखपाल होता है उसके अंदर सबसे अधिक बुद्धि पाई जाती है, जबकि एक जो मजदूर होता है उसके अंदर सबसे कम बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका जो कार्य है वही इस तरीके का है जो कि बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसीलिए पेशा जो है वह भी प्रभावित करता है बुद्धि को। अगला देखिए जन्म क्रम। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार परिवार के अंदर जो बच्चे पहले जन्म लेंगे तो उनकी बुद्धि जो है वो अधिक होती है, जबकि जो बाद में जन्म लेते हैं उनकी बुद्धि कम होती है। तो जो बच्चे पहले पैदा होते हैं उनको जो है बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, यानी कि उनको लाड प्यार जो है वो अधिक रखा जाता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया उसके अनुसार ये कहा गया कि जो पहले बच्चे पैदा होते हैं उनको अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने की वजह से वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसके विपरीत जो बच्चे बाद में पैदा होते हैं उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो हमने देखा बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वातावरण है, वंशानुक्रम है जिसमें वंशानुक्रम सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इन दोनों की अंत्यक्रिया का परिणाम भी है बुद्धि। ठीक है, लिंग भेद इसको प्रभावित करता है, परिवार का आकार प्रभावित करता है, उम्र है, पेशा है, जन्म क्रम है, यह जो है प्रभावित करते हैं बुद्धि को।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार के यदि प्रतिपादक की बात करें तो गैरेट और थॉर्नडाइक का नाम आता है। तो थॉर्नडाइक जो है इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। तो इसमें इन्होंने बुद्धि के तीन प्रकार बताए, गैरेट ने भी तीन ही प्रकार बताए और तीनों प्रकार जो हैं थॉर्नडाइक के जो प्रकार हैं इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है मूर्त बुद्धि का, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जिसे हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और गामक बुद्धि भी कहते हैं। अब देखिए मूर्त बुद्धि जो है इस शब्द का प्रयोग किया गैरेट ने, इसी को यांत्रिक बुद्धि कहा थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और इसके साथ साथ इसे व्यवहारिक बुद्धि जो है वह भी कहा जाता है। ये आप शब्द याद रखें, मूर्त बुद्धि को ही व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि जो है वह मानसिक क्षमता होती है जिसके आधार पर व्यक्ति जो है जो ठोस वस्तुएं होती हैं यानी दिखाई देती हैं उनकी इंपॉर्टेंस को समझता है और अपने अकॉर्डिंग यानी कोई भी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें परिवर्तन करता है, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि जो है इसका संबंध जो है मशीनों से होता है, यंत्रों से होता है, इसीलिए इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति जिसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है ऐसे लोग जो है वो क्या बनते हैं, मिस्त्री बन जाते हैं, कारीगर बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैकेनिक भी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं किसी भी ठोस जो वस्तु होती है उसकी इंपॉर्टेंस को समझकर आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं, ऐसी चीजें जो दिखाई दें जिनमें जो है हाथों का प्रयोग करके या मशीनों का प्रयोग करके उनके रूप में परिवर्तन लाया जा सके। तो इसमें व्यक्ति जो है मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, हस्त कौशल से दूसरों को प्रभावित करता है। ऐसी जो है शारीरिक क्रियाएं करता है, ऐसी जो हस्त कौशल क्रियाएं करता है जिसके द्वारा लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। इनमें हस्तकलाओं की क्षमता जो है अधिक होती है। किसकी होती है? हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सी बुद्धि है जिसमें हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है तो वह मूर्त बुद्धि है, व्यवहारिक बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि है या गामक बुद्धि है। इनका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है और इस बुद्धि के बालक जो है अच्छे कारीगर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नर्तक, ठीक है, शारीरिक क्रियाएं करते हैं और उद्यमी बनते हैं, व्यवसायी बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा देखें अमूर्त बुद्धि। तो देखिए मूर्त बुद्धि वाले हमने देखा कि कोई ठोस जो वस्तु होती है उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ठोस वस्तुओं को ना समझकर, ये इनके सामने यदि कोई शब्द जो है वह आ जाए, संकेत आ जाए, चिन्ह आ जाए, कोई प्रतीक आ जाए तो इनको ये समझते हैं और उनकी जो है व्याख्या कर सकते हैं। इसमें जो है विचार, कल्पनाएं, अमूर्त चिंतन या पुस्तकीय ज्ञान वाले जो व्यक्ति होते हैं ये सभी को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और अमूर्त बुद्धि के आधार पर जो है व्यक्ति अपनी समस्याओं को सॉल्यूशन करता है। तो इसे जो है सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं क्योंकि सिद्धांतों पर आधारित होती है। मैथ्स के जो सिद्धांत हैं, साइंस में जो सिद्धांत हैं, तो ये बुद्धि वाले व्यक्ति जो है अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म बुद्धि भी इसको कहते हैं क्योंकि ये बारीकी से जो है चिंतन करते हैं। इस बुद्धि में व्यक्ति जो है शब्द, प्रतीक, कल्पना, विचार तथा अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। जो सोच विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं वो इसी में आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो पुस्तकीय ज्ञान वाले होते हैं, यानी कुछ ना कुछ जो है नया लिखना, ठीक है, नए जो है चित्रों का निर्माण करना, तो उसके लिए सोचना बहुत पड़ता है। तो ये वही बुद्धि वाले होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जैसे वकील है, चित्रकार है, दार्शनिक है, शिक्षक है, डॉक्टर है, कहानीकार है, ठीक है, या गणितज्ञ हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, लेखक हो जाएगा, डिजाइनर हो जाएगा, तो वो इसी में आएंगे। तीसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति जो है अच्छा आचरण करने की क्षमता, यानी कि समाज में अच्छा दिखना, तो अच्छा आचरण करने की क्षमता इनमें होगी। समाज के अन्य लोगों से ये मिलजुल कर रहेंगे, सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता जो है इनमें अधिक होती है, ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सामाजिक बुद्धि वाले, तो ये जो हैं दूसरे व्यक्तियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनके साथ जो है वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं।
सामाजिक बुद्धि वाले लोग जो हैं वो बहुत बोलते भी हैं। ये हम देखते हैं, एक नेता को हम देख लें तो वो सामाजिक बुद्धि उसमें होती है, ठीक है, वाक्पटु वो बहुत अधिक होता है। और इन लोगों की एक और विशेषता होती है, सामाजिक संबंध जो है वो ये बनाते हैं और समाज में लोकप्रिय स्थान अपना रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन होते हैं, राजनेता है, एक व्यवसायी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। अब एक व्यवसायी जो है यह मूर्त बुद्धि में भी आ जाएगा और सामाजिक बुद्धि में भी आ जाएगा, क्योंकि समाज में जितना अच्छा रोल इसका होगा इतना अच्छा इसका व्यवसाय चलेगा, ठीक है। और जितना अच्छे तरीके से ये किसी किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझेगा, किसी भी वस्तुओं के महत्व को, तो उसमें परिवर्तन करके जो है अपने व्यवसाय को बढ़ा भी सकता है। तो मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये दोनों ही जो है एक व्यवसायी में, व्यापारी में पाई जाती है। अगला देखें, हमने देखा कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तो ये प्रकार किसने बताए, थॉर्नडाइक और गैरेट ने। उसके बाद देखिए बर्नर के अनुसार बुद्धि के तीन प्रकार हैं, जैविक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम और संक्रियात्मक उपागम। देखिए थॉर्नडाइक और गैरेट ने जो प्रकार बताए हैं अक्सर वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के उदाहरण जो हैं वो अभी तक पूछे गए हैं। बर्नर के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार हैं यहाँ से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तब भी आप जो है नाम तो याद ही रखेंगे। जैविक उपागम ये वातावरण से अनुकूलन की बुद्धि वाले होते हैं। मनोवैज्ञानिक उपागम जो कि वंशानुक्रम और पर्यावरण से संबंधित बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। संक्रियात्मक उपागम निश्चित रूप से समझने की शक्ति होती है इनमें, ठीक है। तो नाम आप ध्यान में रखिएगा, जैविक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, संक्रियात्मक उपागम, ये बुद्धि के तीन प्रकार बताए बर्नर ने। और थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार जो है वो याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक जो है जिन्होंने मूर्त बुद्धि को जो है व्यवहारिक बुद्धि भी उन्होंने ही कहा, गामक बुद्धि यांत्रिक बुद्धि भी उन्होंने ही कहा, ठीक है। और मूर्त बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, गैरेट ने किया था। वहीं अमूर्त बुद्धि जो है उसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। और तीसरी कौन सी बुद्धि का प्रकार है, सामाजिक बुद्धि। उसके बाद देखें बुद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का मापन का अर्थ क्या है कि मानसिक योग्यता का मापन या बुद्धि की मात्रा का मापन या मानसिक विकास का पूर्वानुमान, ठीक है। तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गाल्टन ने इसका प्रयोग किया इस शब्द का 1885 में। उसके बाद एक और शब्द है मानसिक परीक्षण, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, 1890 में कैटल ने किया। तो ये दो जो चीजें हैं आप याद रखें, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया 1885 में गाल्टन ने, मानसिक परीक्षण परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया कैटल ने। और इन शब्दों का प्रयोग करने का उद्देश्य यही था, बुद्धि को मापना, ठीक है। अब बुद्धि जो है वो देखी नहीं जा सकती है, लेकिन किस तरीके से जो हम इसका मापन करें, तो इसके लिए जो है परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले 1879 में विलियम बुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग वर्ग में पहली प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वह खोली थी, ठीक है। और इसमें इसी प्रयोगशाला में 1905 में बिने ने साइमन के साथ मिलकर सबसे पहला जो है बुद्धि परीक्षण किया, जहां पर बुद्धि का मापन किया जा सके। ये जो परीक्षण था ये कैसा था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, यानी कि हर एक बच्चे को जो है अलग अलग जो है बुद्धि का टेस्ट देना था। तो इसमें जो उम्र रखी गई 3 से 14 वर्ष, ठीक है। और प्रत्येक जो बच्चा था, प्रत्येक आयु के जो बालक के लिए इसमें जो है वो 5 प्रश्न तो निश्चित किए गए। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह रखी गई 30। तो सबसे पहला जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है किया गया बिने ने साइमन के साथ, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई, ठीक है। और हर आयु के जो बालक हैं उनके लिए 5 प्रश्न जो है वो डिसाइड किए गए। उसके बाद 1908 में जो है इसमें संशोधन हुआ और प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर जो है 59 कर दी गई। बिने ने सबसे पहले जो है मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया, यानी मानसिक आयु का प्रयोग किया। तो मानसिक आयु क्या होती है, देखिए एक होती है वास्तविक आयु, यानी कि एक्चुअल जो एज है व्यक्ति की, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति जो है, जो बच्चा है वो 12 वर्ष का है, यदि वह बहुत अधिक इंटेलिजेंट है और वह
12 वर्ष की उम्र के बजाय 14 वर्ष के बालक के जितना जो है वो इंटेलिजेंट है, यानी उसको जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, वो 14 वर्ष के बालक के जितनी चलती है। तो यहाँ पर ये 14 वर्ष जो है उसके लिए क्या होगा, मेंटल एज होगी, उसकी मानसिक आयु होगी, जबकि उसकी वास्तविक आयु क्या है, 12 वर्ष है। तो जो बुद्धि लब्धि की जब हम बात करेंगे आगे, तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है, ठीक है, क्या, बुद्धि लब्धि। 1911 में दूसरा संशोधन हुआ और स्टर्न ने कुहिल मान के साथ मिलकर 1912 में बुद्धि लब्धि का सुझाव दिया। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सुझाव देने वाले कौन है, स्टर्न है। 1912 में जो है इन्होंने ये सुझाव दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि लब्धि जो है इंटेलिजेंस कोशेंट किसके बराबर है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु के, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। 1916 में तीसरा संशोधन किया गया इसमें, और जिसमें टर्मन की अध्यक्षता में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें संशोधन किया गया और इस परीक्षण का नाम जो है बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण रखा गया। और अब जो है 59 से बढ़कर प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी कर दी गई, 90 कर दी गई। अब बुद्धि का माप जो है वो बुद्धि लब्धि के रूप में किया जाने लगा। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि सूत्र में जो है वो 100 को शामिल किया, यानी कि इसमें 100 से जो है वो गुणा करके बुद्धि लब्धि जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने जो सूत्र दिया वो है क्या था, कि बुद्धि लब्धि जो है किसके बराबर है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 के, ठीक है। तो यहाँ बुद्धि मापन के जो सोपान है, एक सबसे पहले है इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ है, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, MA यानी मेंटल एज है, और CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज है। तो यदि हम MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो बुद्धि लब्धि जो है वो हमें पता लग जाती है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे किसी बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 11 वर्ष है, ठीक है, और वास्तविक आयु जो है कितनी है, 10 वर्ष है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी उम्र कितनी है, वास्तव में 10 है, और जो उसकी मानसिक आयु है, यानी कि वह 11 वर्ष के बच्चे के बराबर जो है वो उसमें बुद्धि है, तो यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वह बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र हमने अभी देखा, IQ जो है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो यहाँ मानसिक आयु कितनी है, 11 वर्ष है, 10 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है, और 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 0 से 0 जो है वो आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आया 110। तो इसका मतलब क्या है कि तीव्र बुद्धि है। ये कैसे पता करा हमने, तो देखिए टर्मन जो है इन्होंने बुद्धि लब्धि की सारणी दी। इसमें 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ये बहुत अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, और 100 में से 1% जो हैं प्रतिभाशाली हमें मिलेंगे, ठीक है, यानी बहुत कम होते हैं प्रतिभाशाली। 120 से 139 जो हैं वो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, वेरी सुपीरियर कहलाते हैं। 110 से 119 वाले तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, सुपीरियर होते हैं, और 90 से 109 जो है वो औसत बुद्धि वाले होते हैं, या फिर सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां से जो ऊपर की तरफ हम देखें, तो हमें अधिक बुद्धिमान जो है बालक मिलेंगे, इनकी जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 से ऊपर होगी, तो ये जो है अधिक बुद्धिमान मिलेंगे। इससे नीचे की तरफ हम जाएंगे, तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि जो है वो कम वाले व्यक्ति मिलेंगे, 80 से 89 जो है वो मंद बुद्धि वाले, 70 से 79 जो है क्षीण बुद्धि वाले, 50 से 69 मूर्ख मिलेंगे, 25 से 49 मूढ़ बुद्धि वाले, और जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है वो महामूर्ख होते हैं, जड़ बुद्धि होती है, जिनको जितना भी हम पढ़ा लें, समझा लें, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 25 से कम है, ठीक है, ये इडियट कहलाते हैं, क्योंकि ये बौद्धिक रूप से कैसे होते हैं, अशक्त होते हैं। तो जहां हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वह कितनी है, 110। तो यहां मैंने लिखा तीव्र बुद्धि वाला, तो ये किस में आ जाएगा,
ये इसमें आ जाएगा, तीव्र बुद्धि वाले में आ जाएगा। 110 से 119 जो जिनकी बुद्धि लब्धि है वह तीव्र बुद्धि सुपीरियर कहलाते हैं। तो ये सारणी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाता है कि जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 75 है तो वह किसमें आएंगे, मूर्ख होंगे वो, मंद बुद्धि वाले होंगे या क्षीण बुद्धि वाले, तो वह क्षीण बुद्धि वाले होंगे। तो ये सारणी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। टर्मन ने 2% बालकों को जो है वो प्रतिभाशाली माना। सामान्यतः प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 होती है। टर्मन ने माना कि 140 से अधिक वही प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। और ये है जनरल फैक्ट कि सामान्यतः जो है 120 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है और उसके ऊपर वाले सभी प्रतिभाशाली कहलाएंगे। सामान्यतः मंद बुद्धि वाले बालक यदि हम बात करें तो जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो वो सभी क्या कहलाएंगे, मंद बुद्धि बालक कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये सभी जो है वो मंद बुद्धि बालक जो है वो कहलाएंगे, हम एक शब्द में जो है ये चीज कह सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें प्रतिभाशाली की बात करें तो 120 से ऊपर यदि हम देखें सामान्यतः तो ये सभी प्रतिभाशाली कहलाएंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा आज, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, आप सुनते जाइए। देखिए हमने बुद्धि के बारे में ये पढ़ा कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है या अमूर्त चिंतन की योग्यता है, जिसमें टर्मन जो है वो ये कहते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ठीक है। और बुद्धि जो है ऐसी शक्ति होती है जिसमें हमारी समस्याओं का समाधान होता है और जो भी हमारा उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने की क्षमता बुद्धि देती है। फिर हमने बुद्धि की जो है विशेषताएं पढ़ी कि बुद्धि जो है वो जन्मजात है, यानी बच्चा जो पैदा हो जाता है तब उसमें जो है बुद्धि का विकास जो है वो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बुद्धि का विकास होता चला जाता है और किशोरावस्था तक जो है वो चरम सीमा तक पहुंच जाता है, पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, ठीक है। बुद्धि जो है जो भी गलत सही कार्य जो होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी नैतिक अनैतिक कार्य होते हैं उसमें अंतर करना, ये जो कैपेसिटी है वो हमें कौन प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करती है। बुद्धि ही हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है वह कौन सी है, बुद्धि है, ठीक है, जिसके आधार पर व्यक्ति जो है उसके सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनको समाधान करता है। उसके बाद हमने बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, कारक जो हैं, वह देखे, जिसमें हमने देखा सबसे बड़ा कारण जो है वो वंशानुक्रम का है, ठीक है, और वातावरण का भी है लेकिन वंशानुक्रम का सबसे ज्यादा रोल रहता है। इसके बाद परिवार का प्रभाव भी पड़ता है, उम्र का प्रभाव जो है वह भी बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि के प्रकार हमने देखे, जिसमें गैरेट और थोंडाई की मैंने आपको बताया कि इनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की है, मूर्त बुद्धि जिसे यांत्रिक कह लें, गामक बुद्धि कह लें, व्यवहारिक बुद्धि कह लें, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल बताए कि जो वस्तुओं को देख कर उनका रूप परिवर्तन कर दें, वस्तुओं को समझ कर, जैसे कारीगर है, मैकेनिक है, इंजीनियर है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको प्रकार बताया अमूर्त बुद्धि, जिसको हम सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। ऐसी बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पनाएं करते हैं, ठीक है, या अमूर्त चीजों के सहारे बहुत अच्छे तरीके से चिंतन कर लेते हैं। तो जो भी पुस्तकीय ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, वकील हैं, चित्रकार हैं, ठीक है, टीचर हैं, वो सभी जो हैं अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। तीसरा प्रकार जो हमने पढ़ा सामाजिक बुद्धि वाले, जो कि समाज में अच्छा व्यवहार दिखाने वाले होते हैं, जैसे राजनेता है, व्यवसायी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने बात की थी बुद्धि के मापन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने किया, ठीक है, और मानसिक आयु जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले बिने ने किया। बिने और साइमन ने मिलकर जो है 1905 में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है किया, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण माना जाता है जिसको। फिर उसमें जो है 3 जो है वो संशोधन हुए और अंत में जो टर्मन है उनकी अध्यक्षता में बुद्धि लब्धि सूत्र जो है उसके आधार पर बुद्धि का मापन किया गया। तो फॉर्मूला जो है याद रखिएगा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है। फिर टर्मन की जो बुद्धि लब्धि सारणी है वो आप ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, औसत बुद्धि वाला 90 से 109 होता है। और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे बुद्धि लब्धि में तो वहां हम देखेंगे कि मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, ये हम
पाएंगे। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे, टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी जो है वो आप याद रखेंगे, क्योंकि यदि एग्जाम्पल भी आ जाता है आपसे बुद्धि लब्धि सूत्र के आधार पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने को यदि दिया जाए, तब भी आपको टर्मन की बुद्धि लब्धि की सारणी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी में जो है वो आप ध्यान रख पाएंगे कितनी बुद्धि लब्धि वाला जो है वह किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहीं तक जो है मैं इसको स्टॉप करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या पढ़ेंगे, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो वीडियो जो है वो आप एक दो बार देखा करिए, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, नोट्स जो हैं इनको बार बार पढ़ते रहिए। थैंक यू।